प्रैक्टिस डॉटर का लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 24। तो एपिसोड 24 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एमएस मई की आंख खुलती है और वो बंधी हुई होती है। जब वो आंख खोलती है तो वो देखती है तीन डाकू उसके पास बैठे हुए, तीन चार लोग, और वो लोग शराब वराब पी रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। आपस में बातें करते हुए वो लोग कह रहे होते हैं कि ये जरूर सेंगडोंग से होगी क्योंकि हमारे राज्य की तो है नहीं, तो हमें इसके पास इसे अपने पास रखेंगे। और देखो पहनावे से भी अच्छे घर की लग रही है, कपड़े वपड़े भी अच्छे पहने हैं, तो हम सेंगडोंग में इसे वापस करके ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। जिसके पास हम इस मई को आइडिया आता है और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है, कहती है कि तुम लोग मेरी बुराई कर रहे हो, तुम लोग भी मुझे अपने आप से दूर करने वाले हो। मिस मई रोती है और कहती है कि जल्दी से जल्दी लाओ मेरी दवाई, लाओ मैं बीमार होते जा रही हूँ, मुझे बीमारी है, मुझे जल्दी दवाई ला कर दो। जिसके बाद से ये लोग जो होते हैं उनका बैग उठाते हैं, उसमें से पर्चे निकाल के पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि इसे दमा रोग है और इसे खुजली की बीमारी है वगैरह वगैरह बहुत सारी बीमारियां। मिस मई रोती है और चिल्लाती है और कह रही होती है कि मुझे पता है कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता मेरी इस बीमारी के कारण, अछूत बीमारी के कारण मेरे माता पिता को भी ये बीमारी हो गई, उन दोनों की मौत हो गई, अब दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे प्यार करेगा, तुम लोग भी मुझे छोड़ दोगे, प्लीज मेरे लिए कोई मदद कर दो, मेरी हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय है, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है खाने को, तो मुझे कुछ दिन यहाँ रहना दो, कुछ पैसे दे दो जिससे मैं अपना दवाई का इलाज विलाज करा सकूं। ये लोग कहते हैं क्या इसे इतनी सारी बीमारियां, और कहते हैं डाकू लोग क्या रहे इसकी बीमारी तो हमें भी लग जाएगी, और सब वहीं पे छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। ये बाहर जाते हैं तो आपस में बातें करते हैं कि पागल आगने में तुमने कहा था कि वो अमीर घराने की लग रही, लेकिन वो तो इतनी ज्यादा बीमार है और गरीब है, हम लोग अब उसका क्या करेंगे। जिसके बाद से दूसरा आदमी बताता है तो ठीक है हम एक काम करते हैं, इसे ले जाकर पैक करते हैं और एक तोहफे के रूप में ले जाकर देते हैं उस आदमी को, और वो आदमी हमें ढेर सारे पैसे देगा बदले में। जिसके बाद से आगे की सीन में हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को। यहाँ पे एक आदमी एक खरगोश का शिकार करके लाया होता है, कह रहा होता है कि देखो मैंने खरगोश का शिकार किया है। क्राउन प्रिंस जाके कहते हैं कि देखो तुम किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हो लेकिन खरगोश को मारना मना ही है, तुम्हें खरगोश को नहीं मारना और हमें ज्यादा लोगों को नहीं लूटना चाहिए, तुम्हें पता है ना तुम लोग पहले डाकू थे, मैंने तुम लोगों के हर एक चीज की व्यवस्था की है यहाँ पे, तो तुम्हें चोरी वोरी करने की क्या हो सकता है। तो वो आदमी कहता है कि हमसे आज मिलने आने वाले हैं वो गैंग वाले, तो क्या हम उन्हें आलू भात खिलाएंगे, उन्हें चिकन विकन तो देना ही होगा ना। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं हाँ ये देना तो जरूरी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम लोग खरगोश का शिकार करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों चारों लोग वहां पे पहुंच कर कहते हैं कि हाँ हम लोग आ चुके हैं, हमारे लिए शराब और आपका व्यवस्था करो, हम तुम्हारे लिए एक बड़ा सा तोहफा लेकर आए हैं। और एमिक्स मई को बांध कर और मुंह में कपड़ा ठूस कर यहाँ पे ला कर वहीं पर पटक देते हैं और कहते हैं कि आपके लिए बड़े घर की लड़की है, आप इसे लो और उसके घर वापस करने के बदले ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। क्राउन प्रिंस बोलता है कि मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है तुम लोग मेरी सेना में शामिल हो जाओ, तुम देखो तुम लोग जो चाहोगे मैं तुम लोगों को वो दूंगा लेकिन बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। वो लोग कहते हैं कि अच्छा क्या मिलेगा हमें, तो क्राउन प्रिंस बताते हैं कि देखो तुम लोगों को मांस खाने को मिलेगा, शराब वराब पीने को मिलेगा, बदले में तुम लोगों को बस ये काम करना है कि किसी को लूटना नहीं, और अमीर घर के लोगों को ये सब जैसे ये तुम लूट के लाए हो इस लड़की को ना ये भी नहीं करना है, इसे खोलो और इसे इसकी जगह पे पहुंचा दो, और साथ ही मैं तुम्हारे खाने और पीने का व्यवस्था कराऊंगा लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो यहाँ पे जो डाकू लोग होते हैं पहले तो मना करते हैं लेकिन फिर कहते हैं कि हाँ ठीक है हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार है। मिस मई अंदर ही अंदर चीख रही होती है कि ये तो मेरे क्राउन प्रिंस की आवाज है, छोटे मालिक कुछ खोलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि ठीक है अगर तुम ऐसा कहते तो हम इस लड़की को अभी खोल के आजाद कर देते हैं, बदले में तुम हमें शराब वराब पिला दो। तो यहाँ पे जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है कि इनके लिए मांस और शराब पेश की जाए। जिसके बाद से वो लोग जैसे ही मिस मई को खोलते हैं क्राउन प्रिंस देखते हैं झटके से मिस मई के पास पहुंच जाते हैं। क्राउन प्रिंस मिस मई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी रस्सी खोलने लगते हैं, मिस मई उनसे चिढ़कर दूसरी तरफ हो जाती है, तब वो उनका रस्सी खोलते हैं प्यार से। मिस मई कहती है कि देखो मैं इतनी परेशानी झेलकर वहां से वापस आई, जब मैं खाना खाती थी मुझे तुम्हारी याद आती थी, यहाँ तक कि एक कौवा भी मेरे सर पर से उड़ के जाता था तो मैं उसे कहती थी कि एक चिट्ठी लेते जाओ मेरे क्राउन प्रिंस के लिए, मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी ज्यादा बेचैन थी, जब इतना दूर तुमसे मिलने के लिए आई तुम्हारे पास ही थे, तुम मुझे वापस भेज रहे हो, क्या तुम मुझे वापस भेजना चाहते हो। क्राउन प्रिंस अपने गले से लगा देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हें कभी भी वापस नहीं भेजूंगा। जिसके पास यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ये सभी लोग बातें करने लगते हैं, बॉस आपने तो कहा था इस लड़की को वापस भेजना है, हाँ हाँ छोड़ो ना छोड़ो हम उसे वापस भेज के आते हैं। सभी लोग हंसते हैं कहते हैं कि बॉस हम इस लड़की को वापस भेजते क्या। सीन यहाँ से कट होता है, आगे की सीन में हम देखते हैं कि मिस मई कमरे में होती है, यहाँ क्राउन प्रिंस बिस्तर लगा रहे होते हैं, मिस मई सामान और चीजों को देख देख कर पूछ रही थी ये क्या है ये क्या है, तो क्राउन प्रिंस सारी चीजों के बारे में बता रहे होते हैं। मिस मई पूछती है कि ये मैप क्या तुमने बनाया है, तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि हाँ। जिसके बाद से मिस मई मैप के बारे में पूछ रही होती है कि ये कैसे बनाया गया है वगैरह वगैरह। क्राउन प्रिंस उनको पास आते हैं, उनको पीछे से हक कर लेते हैं, कहते हैं कि क्या तुम पूरी रात इस मैप के बारे में बात करना चाहती हो। तो यहाँ पे मिस मई शर्मा जाती है, कहती है क्या मतलब, तो वो कहते हैं कि बिस्तर तैयार है हमें सोना चाहिए। मिस मई कहती है लेकिन हमें एक साथ सोना पड़ेगा क्या। जिसके बाद से क्राउन प्रिंस कहते हैं कि देखो हम दोनों को अगर एक कमरे में नहीं सोना होगा ना तो मुझे बाहर सोना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मतलब महल की तरह बहुत सारे कमरे नहीं है, तो तुम कहो तो मैं बाहर चला जाता हूँ। जाने लगते हैं तो मिस मई सोचती है कि अरे नहीं मेरी दादाई ने मुझे कहा था कि मुझे पहले पहल नहीं करनी है, तो मतलब मैं क्या करूँ। जिसके बाद से वो कहती है नहीं नहीं ठीक है एक काम करो तुम बिस्तर पे सो जाओ मैं फर्श पे सो जाऊंगी। तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस जो होते हैं उनके कान में कहते हैं कि मैं अपनी क्राउन प्रिंसेस को फर्श पे सोने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ। इतना सुनना था कि मिस मई
ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। उन्हें लगता है कि शायद क्राउन प्रिंस मुझे किस करने वाले हैं, तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा, चलो सोते हैं। आगे हम देखते हैं कि मिस मेई जो होती है वो बिस्तर पे होती है और क्राउन प्रिंस नीचे फर्श पे सोए होते हैं। यहाँ पे मिस मेई कह रही थी लिटिल मास्टर क्या तुम सो गए, लिटिल मास्टर क्या तुम सो गए, उनका उन्हें छेड़ रही होती है तो क्राउन प्रिंस उनका हाथ पकड़ लेते, कहते क्या तुम्हें डर है कि मैं सो जाऊंगा, जिसके बाद से उनका हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच लेते और कहते कि या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर सोऊं ना, जिसके बाद से मिस मेई कुछ भी नहीं बोलती और सर मार रही होती है। तो क्राउन प्रिंस उन्हें किस करते हैं और ये लोग अपना फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। आगे क्राउन प्रिंस मिस मेई के साथ होते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं ठंड बहुत है ना, वो कहती है हाँ, तो उन्हें अपने करीब खींच लेते, कहते क्या अभी भी है, तो वो कहती नहीं अब मुझे ठंड नहीं लग रहा है। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम्हारे साथ होते हुए ना मैं सूखी रोटी से भी अचार खा सकता हूँ, मतलब सूखी रोटी के साथ चटनी खाने के लिए तैयार हूँ मैं, उस तरह का जीवन ना, मतलब बस तुम मेरे साथ हो तो जीवन बहुत ही ज्यादा खुशहाल है। तुम्हें पता है जब मैं अकेले था, मैं वहां से निकाल दिया गया था, महल से निर्वासित किया गया, वहां पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिनके पास खाने को एक रोटी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जीवन जीने की पूरी कोशिश कर रहे थे, इतनी कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, मैंने उन सभी को यहाँ पे आश्रय दिया। तुम्हें पता है मैं चाहता हूँ कि मैं वापस से महल को जीत लूँ, जिसके बाद से मैं लोगों को कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगा। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने पीने के लिए खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है, मतलब जब से संघडोक राज की स्थापना हुआ है लोगों का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। मिस मेई कहती है कि जब तक कि तुम मेरे साथ हो ना मुझे जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए, तुम रहो तो मैं भी सूखी रोटी खाने को तैयार हूँ, जिसके बाद से मिस मेई कहती है वैसे जिंगुई को हमें रोकना होगा, क्योंकि जब से वो राजा बना है तब से इतने सारे लोग परेशान हो रहे हैं, तो अगर वो राजा रहा आगे तक तो संगडोंग भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। मुझे क्या लगता है पता है संगडोंग और जिक्सी किसी भी नाम का कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो राज्य संगडोंग रहे या जिक्सी रहे, बस राज्य में लोग बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस कहते हैं क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है सच में, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं मानती हूँ और मैं इसमें आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, अगर आप जिंगुई को हरा कर अपने राज्य को वापस लेना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ऐसा होगा, मतलब हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो यहाँ पे मिस मेई कहती है कि अगर हम जीत जाते हैं तो ठीक है, और अगर हम हार जाते हैं ना तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे और पूरी दुनिया घूमेगा, और मैं इतनी बुद्धिमान तो हूँ ही कि हम दोनों के लिए खाना का व्यवस्था कर सकूँ। जिसके बाद से क्राउन प्रिंस कहते हैं कि ठीक है, अगर मेरा साथ देना। बड़ा सा पोस्टर लगा होता है क्राउन प्रिंस को पकड़ने के लिए, और उसके बाद से हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को जो कि अपना चेहरा ढक के राजधानी में प्रवेश कर लेते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं एक नोटिस बोर्ड पे भी इनका पोस्टर लगा हुआ है, उसमें इनाम रखे हुए हैं इनको पकड़ने के लिए, तो वो वहां से अपना वो पोस्टर फाड़ लेते हैं, जिसके बाद से वो अंदर जाते हैं। जब महल के गेट के वहां पास प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो सैनिक उन्हें रोक देते हैं, कहते हैं कि तुम कौन और अंदर क्यों जाना चाहते हो, जिसके बाद से हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि अपना जो टोपी वोपी पहने होते हैं वो निकाल देते हैं, कहते हैं कि मैं नागोंग गियाओ हूं, और उसके बाद से वो फोटो दिखाते हैं। ये सैनिक लोग इनके ऊपर हमला करने लगते हैं और क्राउन प्रिंस भी इन लोगों के साथ लड़ाई करने लगते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डोंगसी होता है वो एक सीटी बजाता है, सीटी बजाने के साथ यहाँ पे ढेर सारे सैनिक आ जाते हैं जो कि इन सैनिकों से लड़ाई करते हैं, मुठभेड़ करते हैं। आगे की सीन में हम मिस मेई को देखते हैं जो कि कमरे से बाहर जाने का प्रयास कर रही होती है, तो उनके तीनों पिता लोग वहां पे रोक लेते हैं और बाहर एक गार्ड भी खड़ा होता है। इनके तीनों पिता समझाते हैं कि देखो तुम्हारे प्रिंस ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें यहाँ रहनी चाहिए, कि उसने कहा कि अगर लड़ाई में वो हार जाता है तो कहते चुप करो हार शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी मत करना मेरे सामने। वो कहते कि हाँ तो मैं क्या बोलूँ, वो कहते ठीक है हार की जगह तुम म्याओ बोल सकते हो, तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ पे तुम्हें रखा है, कि देखो अगर कुछ हो जाता है तो तुम अगर वहाँ लड़ाई में जाओगी तुम्हें चोट वोट लग जाएगी तो वो क्या करेगा, इसीलिए वो तुम्हें अपनी कमजोरी ना बनाते हुए यहाँ रहने का बोल के गया है। गार्ड कहता है कि अंदर ये बक्सा कहाँ है, बक्सा क्यों है, बाहर गाड़ी क्यों रखा हुआ है, तो वो कहता है कि क्राउन प्रिंस ने कहा है कि अगर वो हार जाते, वो कहते हैं मुंह बंद, तो वो कहता है कि हाँ अगर वो म्याओ म्याओ हो जाते हैं तो आपके लिए ये बक्सा जिसमें ढेर सारे सोने चांदी है, आप इन सोने चांदी को लेकर बाहर की गाड़ी से यहाँ से जा सकती हैं। मिस मेई अंदर जाती हैं, जब बॉक्स खोलती हैं तो उसमें ढेर सारे सोने चांदी और हीरे मोती होते हैं, जिसको देखकर उसके पिता को लालच आ जाता है, उसमें लूटने लगते हैं, तो ये तुरंत बक्से को बंद कर देती है, कहती है क्या कर रहे हो तुम लोग, उसका हाथ दबने लगता है, तो बड़े पापा कहते हैं छोड़ो हटा दो। जब वो बक्सा खोलती है तो उसके बाद से पापा लोग उसमें से निकल जाते हैं, मतलब हाँ हाथ वाथ निकाल देते हैं, दर्द नहीं होता। तो मिस मेई कहती है कि देखो मुझे महल जाना होगा, मुझे क्राउन प्रिंस की सहायता करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम साथ में मर भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्राउन प्रिंस को अकेला छोड़कर यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं अकेले जिंदगी नहीं बिताना चाहती। अपने पिताजी को कहते हैं कि क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हो, बड़े पिता कहते हैं हाँ, मझले पिता कहते हैं हाँ, छोटे पिता भी दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं कि हालांकि मैं डरपोक हूँ लेकिन आप मुझे इसमें गिन सकते हैं, मतलब मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ लड़ाई करने के लिए। सीन में हम देखते हैं कि घनघोर तलवारबाजी चल रही होती है, मतलब सभी लोग तलवारों से लड़ रहे होते हैं, सारे सैनिक आपस में, क्राउन प्रिंस के सैनिक और वो राजा यानी कि जिंगहुई के सैनिक, ये लोग लड़ाई कर रहे होते हैं और करते करते अंदर की ओर चले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये डाकू लोग भी जो होते हैं ना, वो लोग भी क्राउन प्रिंस का साथ दे रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि यार ये जगह, मतलब मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन सैनिक तो बहुत ही ज्यादा फुद्दू निकले, सारे भाग गए, बहुत आसान था। आगे के सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर बाई जो होते हैं वो क्राउन प्रिंस को लेकर उनके महल के तरफ आते हैं,
मतलब अंदर दरबार में आते हैं। अब ये लोग दरबार के तरफ पहुंचते हैं, तभी हम देखते हैं कि जिंगो यहाँ के मिस्टर भाई के गले पे तलवार रख देता है और कहता है कि जल्दी से अपना तलवार नीचे कर दो नागोंगियाओं, युवराज बनना मैं इसका गला काट दूंगा। फिर से अपना तलवार नीचे करने लगते हैं तो जिंगो जो होता है वो कहता है कि मुझे पहले से ही इस पे शक था मिस्टर भाई पे, मैंने देखा कि ये बाहर जा रहा था आप लोग को खबर पहुंचाने के लिए, तो मैंने इसे पता किया पीछा किया और मैंने पता कर लिया था कि आप लोग करने क्या वाले हैं और किस दिन आने वाले हैं, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था कि आप लोग महल में आओ और मैं आपको गिरफ्तार कर लूं। जिसके बाद से जो मिस्टर भाई होते हैं वो कहते हैं कि महाराज मैं इसके लायक नहीं हूं कि आप अब मेरे लिए अपनी तलवार डाल दें, आप एक काम करें लोगों से लड़ाई करें, पहले भी मेरी वजह से जिक्सी नष्ट हो चुका है तो आप जिक्सी को बचाइए मेरे बदले में, आप मुझे चुनने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि देखो अगर मेरी जगह पे यहाँ पे तुम होते ना तो तुम भी वही करते, मतलब तुम भी वही करते जो मैं करने जा रहा हूँ। जिसके बाद से वो अपनी तलवार वहीं पे छोड़ देते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं इधर क्राउन प्रिंस अपनी तलवार रखते हैं, दूसरी तरफ हम मिस मेई को देखते हैं जो कि बड़े ही टसन में तैयार है, मतलब आज ज्यादा खूबसूरत लग रही है यार, अपने तीनों पिताओं के साथ लेकर आती है और यहाँ पे सैनिकों से कहती है कि जल्दी यहाँ से हट जाओ, डम डम बजा रही होती है, कहती है कि जल्दी आगे से हटो, तुम्हें पता नहीं क्या मैं तुम्हारी राजकुमारी हूँ, तुम सबको जान से मारने का आदेश दे सकती हूँ, हटो 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 हटो। सैनिक वहां से हट जाते हैं। जिसके बाद से मिस मेई जो होती है अंदर जाती है दरबार में और क्राउन प्रिंस से कहते हैं कि लिटिल मास्टर तुम ठीक तो हो ना, और क्राउन प्रिंस के बगल में जाके खड़ी हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जिंग हुई होता है वो कहता है कि तुम सेंगडोंग की राजकुमारी हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम कैसे जिक्सी वालों का साथ दे सकती हो। वो कहती है कि चुप रहो तुम पालतू कुत्ता कहीं का बेकार आदमी, तुम्हें पता है मैं सच्चाई का साथ दे रही हूँ और ऐसे राजा बनने का क्या फायदा है, तुम्हारे राज्य के कितने सारे लोग भूखे मर रहे हैं। यहाँ पे लिटिल बिन आती है और जो राजा यानी जिंग हुई होते हैं वो उसे ध्यान से देख रहे होते हैं, लेकिन लिटिल बिन उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो जाकर मिस मई के बगल में ही खड़ी हो जाती है, मतलब वो भी मिस मई के साथ ही है। यहाँ पे राजा का दिल तो और भी ज्यादा टूट जाता है, बाहर बहुत सारे सैनिक लड़ाई कर रहे थे कि हमारे सम्राट की रक्षा करो वगैरह वगैरह। हम देखते हैं कि मिस मई आती हैं, डब्बा बजाती हैं अपना, कहती है कि सभी लोग साइड हो जाओ, तुम्हें पता ना मैं तुम्हारी राजकुमारी हूँ, सब लोग मेरी बात मानेगा, अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो इस हथौरे से उसकी पिटाई होगी। जिसके बाद से सभी सैनिकगढ़ जो होते हैं वो एक दूसरे मतलब एक दूसरे से दूर होकर साइड होकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मिस मई देखते हैं कि कोई है छुपकर वार करने वाला है, तभी हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस के ऊपर जिंगोई हमला कर देता है और क्राउन प्रिंस जिंगोई की लड़ाई होने लगती है। ये दोनों तलवारबाजी कर रहे होते हैं और मिस मई इधर सैनिकों को समझा रही होती है कि तुम दोनों ने अगर अपने रास्ते को पार करने की कोशिश की, एक दूसरे से लड़ाई की, देखो तुम्हें बातचीत करना है तो बातचीत करो, गाली गलौज करो, लेकिन हाथापाई नहीं करना है, दूर रह के अपना जो भी मामला है वो सुलझाओ। मिस मई उधर देखती है कि इन लोगों को समझाने पर मतलब असर हो रहा है, बीच में एक रस्सी खड़ी कर देती है, कहती है कि इस रस्सी को पार नहीं करना है, जो पार करेगा उसे इस हथौड़े से मार पड़ेगी, तो सभी लोग एक दूसरे से साइड हो जाओ, हाँ अपना जो नफरत है ना उसे दूर करो। जिसके बाद से हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि जिंगहुई से लड़ाई कर रहे होते हैं, जिंगहुई लड़ते लड़ते बोल रहा होता है कि देखो क्राउन प्रिंस तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम एक काम करो अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मतलब जेल में मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि अच्छा तुम अपने आप को मेरे हवाले करो। यहाँ पे जिंगहुई भी हारने मानने को तैयार नहीं होता, क्राउन प्रिंस भी हार मानने को तैयार नहीं होता, दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता और दोनों जबरदस्त मुकाबला कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिंगहुई को उठाकर क्राउन प्रिंस एक लात मारते हैं और फेंक देते हैं, जहाँ पे जिंगहुई के मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन जिंगहुई फिर भी हार नहीं मानता और क्राउन प्रिंस से लड़ाई कर रहा होता है। लिटिल बिन के पास मिस मई आती है और मिस मई क्राउन प्रिंस का साथ दे रही होती है कि क्राउन प्रिंस मुझे तुम पे विश्वास है, तुम जिस जगह हम देखते हैं वो जो कि लिटिल बिन से नफरत करती है वो एक मतलब दो चाकू चला के मारती है मिस मई की तरफ, और यहाँ पे क्राउन प्रिंस उसे देख लेते हैं और उसको इधर उधर कर देते हैं, मतलब चाकू एक तो दूसरी तरफ चला जाता है और दूसरा वाला जिंगहुई को लगने जाता है, तो लिटिल बिन जाकर उसे बचा लेती है, मतलब वो सामने आ जाती है और लिटिल बिन को ये चाकू लग जाता है, जिंगहुई तुरंत पीछे की तरफ मुड़ता है, उनको संभाल लेता है। यहाँ क्राउन प्रिंस अपनी तलवार छोड़ देते हैं, मतलब वो भी हताश हो जाते हैं। मिस मई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, ये सब तुम्हारी गलती, तुम्हारी वजह से मेरी दादाई को ये हो गया। वो कहती है जल्दी चिकित्सकों को बुलाओ, कोई चिकित्सक को बुला कर लाओ, और दौड़ते हुए चिकित्सकों को बुलाने के लिए चली जाती है। लिटिल बिन से कहता है कि अभी अभी तुम क्राउन प्रिंस के तरफ से थी और जब मेरी मृत्यु होने वाली थी तो तुमने उसे अपने ऊपर ले लिया, मतलब मेरे लिए तुमने अपनी जान देने को तैयार हो गए, अब मैं तुम्हारे भावनाओं को समझ पाया हूँ कि तुम क्या कहना चाहती थी, तुम हमेशा से मेरी ही थी, बस मेरी कुछ गलतियों के कारण ही तुम मुझसे दूर रहा करती थी, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो मैं समझ चुका हूँ, तुम मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। यहाँ पे हम लिटिल बिन को देखते हैं जो जिंगहुई के गालों पे हाथ रखती है और अचानक से फिर बेहोश हो जाती है, जिंगहुई ने पकड़ के चीख चीख कर रोने लगता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ लिटिल बिन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वो बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं। यहाँ पे नान भाई आता है, डोंगसी आते हैं, तो ये कहते हैं कि जल्दी से डॉक्टर यहाँ से कट होता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि मिस मई देख कर रही होती है लिटिल बिन का और लिटिल बिन अभी तक बेहोश है। मिस मई कहते हैं कि लिटिल बिन तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना अकेले इस दुनिया में क्या करूंगी, आज पूर्णिमा की रात है और मैंने इस मोती को देखो उन अच्छे कारीगरों से कह के बनवा लिया है, आज मैं फिर एक बार ट्राई करूंगी, अगर दुनिया से किसी को जाना है तो वो मैं जाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, अगर तुम्हारे शरीर मतलब तुम्हारे शरीर में जहर फैल चुका है, तुम मरने वाली हो, तो मैं तुम्हारे शरीर से अपने शरीर की अदला बदली कर लूंगी, अगर कोई मरेगा तो वो मैं मरूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आठवें राजकुमार आते हैं नागोंग पिंग, जैसे ही आठवां राजकुमार आता है मैं
में ही उसके ऊपर टूट पड़ती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना ग्रैंड ट्यूटर को ढूंढने के लिए, तुम्हें अभी तक ग्रैंड ट्यूटर नहीं मिला, तुम अगर जल्दी से ढूंढ के नहीं लाए तो देखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और हाँ याद रखो, अभी मैं यहाँ पे बेहोश हो जाऊंगी और उस ग्रैंड ट्यूटर को समझाना कि वो मेरे ऊपर जहरीले कीड़े ना छोड़े जो कि खून चूसते हैं। अगर उसने ऐसा किया ना तो मैं मरने के बाद भूत बनके तुम्हें डराऊंगी, तुम्हें बहुत ज्यादा सताऊंगी, तुम्हें पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें दूंगी और ग्रैंड ट्यूटर से कह के तुम बहुत सारा डांट खिलवाऊंगी। देखो हम लोग जो भी कुछ करने वाले हैं ना, बस तुम यहाँ पे शांति से देखते रहना, अगर कुछ भी हो जाए तो ग्रैंड ट्यूटर को बताना कि वो हमारा अच्छे से ख्याल रखा, मेरे शरीर के साथ कुछ भी गड़बड़ी ना करे। हम देखते हैं कि यहाँ पे मोती चमकने लगता है तो मिस मई उसके मोती को जाकर अपने हाथ से पकड़ लेती है, मतलब अपने हाथ से पकड़ती है। जैसे ही मोती को पकड़ती है हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस मई भी बेहोश हो जाती है। अब जब मिस मई बेहोश हो जाती है तो आठवें राजकुमार नागोंग पिंग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, कहते कि ओ नो मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं उससे क्या कहूंगा। सीन खत्म होता है तो यहाँ पे ग्रैंड ट्यूटर पहुंच जाते हैं जिसको नागोंग पिंग जाके समझाते हैं कि जल्दी से देखो इन दोनों को क्या हुआ, मिस मई को बचाओ, लिटिल बिन को बचाओ। और यहाँ पे डॉक्टर मतलब जो ग्रैंड ट्यूटर होता है वो कहते हैं कि चिंता मत करो मैं देखता हूँ। वो जाकर लिटिल बिन का हाथ चेक करते हैं और उनका जो घाव होता है वो घाव देखते हैं कि उस घाव में जो लगा हुआ है उसमें बहुत सारे जहर फैल गए हुए शरीर में। उनका हाथ देखते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी बेहोश, और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसके वजह से वो दो कीड़े निकालते हैं। तो यहाँ पे नागोंग पिंग कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो ग्रैंड ट्यूटर, क्या हो तुम उनका खून चुसवा दोगे, मतलब वो मरने वाली है, तुम उसकी रक्षा करो उसे ठीक करो। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं कर रहा हूँ ना। उसके बाद से वो कीड़े निकालता है और ले जाकर लिटिल बिन के शरीर पर रख देता है, जहाँ पे कटा होता है वहाँ पे जाके वो कीड़ा गंदा खून जो होता है वो चूसने लगता है। ग्रैंड ट्यूटर उसके ऊपर से एक और जो वो कीड़ा होता है वो रख देते हैं, कहते हैं कि अब देखो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब दोनों कीड़े अपना काम शुरू करते हैं। नागोंग पिंग कह रहा था कि अरे देखो देखो वो कीड़ा इतना ज्यादा खून चूस चुका है, उसे हटाओ ना, मतलब इतना देरी हो गया, वो एक तो मरने वाली है, वो सारा खून चूस जाएगा, जल्दी करो ना जल्दी करो। ग्रैंड ट्यूटर तो पूरी तरीके से रिलैक्स होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिटिल बिन का हाथ हिलने लगता है तो नागोंग पिंग खुश हो जाता है, कहता है कि अरे वो होश में आ रही है। ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं कि हाँ अब काम हो चुका, जिसके बाद से ग्रैंड ट्यूटर वो दोनों कीड़े उसके शरीर पर से उतारने लगते हैं, मतलब एक कीड़ा उतारते हैं, एक कीड़ा तो गायब होता है। तो नागोंग पिंग कहता है कि अरे एक कीड़ा कहाँ गया, वो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा दूसरा कीड़ा तो मिल ही नहीं रहा था, वो उसके ऊपर इधर उधर ढूंढने लगता है। वो कहते क्या करे उसका कपड़ा खोल के देखोगे क्या, वो कहते हैं कि हाँ तो ठीक है अगर इसके शरीर पर नहीं है तो मिस मई के शरीर पर होगा। उसके शरीर पर भी जांच करने के लिए जाते हैं तो नागोंग पिंग कहता है अरे नहीं नहीं उसके शरीर को भी मत छुओ। तो वो कहता है कि हाँ देखो अगर मेरा कीड़ा नहीं मिला ना नागोंग पिंग तो मार लेना, वो कीड़ा तुम्हारे पिछवाड़े से निकलेगा समझे। नागोंग पिंग कहता है कैसी बातें कर रहे हो तुम ग्रैंड ट्यूटर। हम देखते हैं कि मिस मई लिटिल बिन का हाथ पकड़े होती है और मोती इन दोनों के हाथों में होता है। क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि जिंग हुई से मिलने के लिए जेल में गए होते हैं, कहते हैं कि तुम्हें बड़ा भूख लगी आज तो। जिंग कहता है कि और नहीं तो क्या, मैं तो बस इस बात के लिए खुश हूँ कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो अभी भी जीवित है, मैं तो आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और भी ज्यादा खाऊंगा। तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस कहते हैं कि अगर आप ये बात पहले ही समझ जाते और सब कुछ समझ गए होते तो शायद आपकी आज ये हालत ना होती। वो कहता है कि तुम मेरे बारे में इतना भी मत सोचो, वैसे तुम एक राजा हो और तुम्हें अपना अच्छा ख्याल रखना होगा, तुम्हें लाइफ में आगे चल के बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं, तो तुम मेरे बारे में चिंतित ना हो तो ही सही है। मैं तो अब शौक से आराम से मर सकता हूँ, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है अब मरने में भी। जब मिस मई जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था वो मुझसे इतना प्यार करती है इतना जानने के बाद मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। बताया जाता है कि जिंग हुई को देश से निर्वासित कर दिया गया था और यहाँ पे नागोंग पिंग फिर से राजा बन गए और संगडोंग का नाम बदलकर फिर से जिक्सी रख दिया गया था। आगे की सीन में हम लिटिल बिन को देखते हैं जो कि जिक्सी राजे को छोड़कर जा रही होती है, अपने माता पिता से विदा ले रही होती है। उसके माता पिता कहते हैं कि बेटी जाने की क्या जरूरत है, माँ कहती है कि बेटी मत जाओ ना, तुम अपने इंसानों शौक सब कुछ को छोड़कर जा रही हो, तुम जैसे यहाँ पे जिंदगी जी रही थी वहाँ पे वैसे नहीं जी पाओगी, तुम सिर्फ उस जिंग हुई के लिए इस राजे को छोड़कर जा रही हो, संगडोंग राज्य में बसने जा रही हो जहाँ पे कुछ भी मतलब तुम्हें ऐसे इंसानों शौक से नहीं जी सकती। पिताजी कहते हैं कि समझो, अपने पत्नी को समझाते हैं कि देखो हमारे दोनों बेटे की नौकरी लग गई है सरकारी नौकरी, अब हमें इसे जाने देना चाहिए, इसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है, तो इसे जाने दो, हम भूल जाएंगे कि हमारी कोई बेटी भी है। जिसके बाद से लिटिल बिन मिस मई को बुलाती हैं और अपने माता पिता से कहती हैं कि मिस मई मेरे लिए आप दोनों की रक्षा करेंगी, आप लोगों की देखभाल करेंगी आपकी अपने माता पिता की तरह, तो आप लोगों की चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मिस मई कहती है कि तुम वहाँ पे कैसे जिंदगी जियोगी, तुम्हें तो इतनी सावन शौकत से जीने की आदत है, तुम क्या वहाँ पे काट पाओगी अपनी जिंदगी, तुम कैसे रहोगी इतनी गरीबी में। वो कहते हैं कि मैं रह लूंगी तुम चिंता मत करो। मिस मई कहती है बिल्कुल भी रहने की आवश्यकता नहीं है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लेकर आई हूँ, और उसे लेकर जाती है और कहती है कि ये गाड़ी तैयार है, इसमें देखो बहुत सारे सोने चांदी जेवरात है, और उसे कुछ माला वाला पहना देती है, कहती है ये सब तुम्हारे लिए है और तुम जब वहाँ पे चले जाना ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, तो तुम बस मुझे एक बार चिट्ठी लिखना, मैं तुम्हारे लिए इतना और भी सारा भिजवा दूंगी। ये सब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देती तो रास्ते में डाकू बाकू मिलेंगे ना, लूट लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इन सब चीज़ों को अपने साथ लेकर जाओ। और मुझे पता है तुम्हें करेला भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये जो आदमी है मैंने इसका पूरा बागान खरीद लिया है और ये तुम्हारे लिए ही काम करेगा 80 वर्षों के लिए, और उस करेले के बागान से सब कुछ तुम्हारा है, तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और इधर आओ मेरे साथ, मैंने तुम्हारे लिए और भी ढेर सारे उपहार तैयार किए हैं। वो कहती है रहने भी दो, वो कहते नहीं नहीं तुम चुप रहो, और इधर लेके जाती है, कहती है कि देखो ये घोड़ा है, इस घोड़े का नाम मैंने डॉगी रख दिया, जब तुम्हें मेरी याद आना तो इस घोड़े से बात करना, बिल्कुल भी मुझे नहीं भूलना है, और बराबर चिट्ठी लिखते रहना है, जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी हो तो मुझे चिट्ठी लिख देना, और हाँ ये जो स्याही है ना, तो वो कहती है कि हाँ मैं सुलेख लिखूंगी, वो कहती है सुलेख नहीं मेरे लिए पत्र लिखना, और हाँ अच्छे शब्दों में लिखना ताकि मैं समझ पाऊँ,
ऐसा ना लिखना कि मैं समझ ना पाऊँ। जिसके बाद से लिटिल मैन कहती है हाँ हाँ मैं अपना ख्याल रखूंगी, मैं सब कुछ सोच समझ के करूंगी। जिसके बाद से वो गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, सबको बाय बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। लिटिल मैन के जाने के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे सैड होते हैं। मिस मई की जो मॉम होती है वो आती है मिस मई के पास और कहती है कि ऐसा लगता है कि मेरी बेटी मुझसे दूर कहीं नहीं गई है, तो मेरे साथ है, तो ऐसा लगता है कि वो हमेशा से मेरे साथ रहेगी। हम देखते हैं यहाँ पे नागोंग पिंको जो कि बहुत ही ज्यादा सैड हो रहा होता है, फूल लेकर खड़ा होता है कि मैं उससे प्यार करता था और वो मुझे ठुकरा कर चली गई। हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिस्टर बाई होते हैं वो एक नाव पे सवारी कर रहे होते हैं और कहते हैं कि एक साल हो गए, आप लोग कैसे, आप दोनों कैसे होंगे, अपनी जिंदगी कैसे जी रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों अपनी अच्छी जिंदगी जिए और खुशहाल रहें हमेशा, मैं आप दोनों के खुशी जीवन की कामना करता हूँ। मिस मई को देखते हैं जो कि अपने क्लासमेट्स के साथ फन कर रही थी, मस्ती वस्ती कर रही थी, किताबें तबे जोर जोर से पढ़ रही होती है। यहाँ पे क्राउन प्रिंस आते हैं, क्राउन प्रिंस के आते ही सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं और अपने कहते हैं क्राउन प्रिंस की आप सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे क्या कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं हम तो पढ़ाई कर रहे थे ना, तो ये सभी लोग फिर पढ़ाई करने का नाटक करने लगते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि अच्छा सही में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्राउन प्रिंसेस भी जोर जोर से पढ़ने लगते हैं, तो क्राउन प्रिंसेस के पास जाते हैं, उनका किताब पलट के कहते हैं कि आपने उल्टा पकड़ा हुआ था। जिसके बाद वो एक मेज की तरफ बढ़ते हैं तो ये लोग कहते हैं कि तो वो कहते हैं हाँ हटाओ मेज पर से, सब एक दूसरे को देखकर हंस रहे होते हैं। क्राउन प्रिंस उन लोगों का हाथ हटवाते हैं, जिसके बाद जब मेज पर से कपड़ा उठाते हैं तो पता चलता है कि ये लोग तो गेम खेल रहे हैं। देखते हैं जिसके बाद ये सभी लोग साथ में हंसने लगते हैं जोर जोर से। दूसरी तरफ हम महारानी को देखते हैं जो कि उनकी हरकतों से परेशान हो गई होती हैं और ये बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं, तो सोंग याओ चिल्लाते हैं कि महारानी को परेशानी हो रही है, आप लोग थोड़ा सा धीरे से हंसिए। हमें पता चलता है कि मिस मई ने पूरे महल पर कब्जा कर लिया है, मतलब हम मिस मई जैसा चाहती है वैसे ही सब कुछ चल रहा है, महारानी के कहे अनुसार भी कुछ भी नहीं होता क्योंकि अब तो मिस मई ही रानी बन गई है, वो राजा बन गया है तो होगा भाई ना। महारानी तो अपना राम राम जपती है और बस सोचती है कि यार कैसे ये सबसे मैं निकलूं बाहर। आगे की सीन में हम देखते हैं कि ढेर सारे पटाखे बज रहे होते हैं, सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्राउन प्रिंस होते हैं, मिस मई होती है। क्राउन प्रिंस जोर से चिल्ला कर कहते हैं कि राष्ट्र समृद्ध हो, और यहाँ पे राजकुमार यानी मिस मई जो होता है वो चिल्ला कर कहती है कि यहाँ पे सभी लोग अच्छे से जीवन जिए और सुखी जीवन जिए। जिसके बाद इनके एक पिता लेकर आते हैं एक लेबल और वो दिखाते हैं, इस पे लिखा होता है कि आप दोनों का जीवन समृद्ध हो, और जिसके बाद से दूसरे पिता लेकर आते हैं कि आप दोनों हेल्दी लाइफ जिए। तीसरे पिता लेकर आते हैं कि कहानी का द एंड होता है, जिसके बाद से ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। सीन यहाँ से कट होता है, आगे की सीन में हम देखते हैं मिस मई और क्राउन प्रिंस जो होते हैं दोनों लोग पेंटिंग बनाने के लिए खड़े होते हैं, जहाँ पे क्राउन प्रिंस दूर रस्सियों से बांधे होते हैं और मिस मई एक रस्सी पकड़ के आगे खड़ी होती है। क्राउन प्रिंस धीरे धीरे करके मिस मई के करीब आते हैं, उस रस्सी को अपने पास खींचते और मिस मई के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद से पेंटर कहते हैं कि अरे तुम लोग दूर हो जाओ, पेंटिंग बन तो जाने दो, मतलब तुम दोनों ऐसे कर रहे हो मेरी पेंटिंग खराब हो जाएगी। जिसके बाद से क्राउन प्रिंस फिर से दूर चले जाते हैं। क्राउन प्रिंस जब दूर जाते हैं तो मिस मई फिर से रस्सी पकड़ के खींच देती है और क्राउन प्रिंस फिर से पास में आ जाते हैं मिस मई के, तो पेंटिंग वाला कहता है कि अरे पहले पेंटिंग बनवा तो लेने दो, तब अपना लवी डबी व्यवहार करना तुम लोग, तो मिस क्राउन प्रिंस फिर से दूर हो जाते हैं। इसके बाद से मिस मई क्राउन प्रिंस की तरफ देख के आंख मारती है, उन्हें फिर अपने करीब खींच लेती है। प्रिंस का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिरने वाले होते हैं, तो मिस मई उन्हें बचा लेती है, उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं, हंसती हैं। तो यहाँ पे जो पेंटर होता है वो कहता है अरे भाई पहले पेंटिंग बन तो जाने दो, वरना पेंटिंग खराब हो जाएगी। फिर ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन मिस मई बाज नहीं आती, फिर से परेशान करती हैं क्राउन प्रिंस को और उनको फिर से अपने करीब खींच लेती हैं। जिसके बाद से जब क्राउन प्रिंस इस बार करीब आते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं और मिस मई को पकड़ के किस करने लगते हैं। पेंटर कहता है कि हाँ हाँ भाई यही देखने के लिए तो मैं यहाँ पे आया था, आप लोग यही करो मैं चलता हूँ, पेंटिंग तो बनती रहेगी। यहाँ पे पेंटर वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है इन दोनों का लवी डबी सा पेंटिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है सच बताओ तो। और इसी पेंटिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मतलब ड्रामा ही खत्म होता है। मिलते हैं अगले किसी नए ड्रामा में, टाटा बाय बाय टेक केयर। और एक बात, आज मैंने इस ड्रामे को खत्म किया इसीलिए द डबल ड्रामा बनाने का टाइम नहीं मिला। मिलते हैं द डबल ड्रामे में, बाय।